बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर हिजाब ज़हरा, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेक्चर नंबर 17, दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन व्हाट द आयनाइजेशन एनर्जी इज़। द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो कम से कम अमाउंट, वो कम से कम क्वान्टिटी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए होती है। कहाँ से रिमूव करना है? फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स आइसोलेटेड गैशियस एटम। आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करवाना है, और वो आउटर मोस्ट शेल किसका होना चाहिए? आइसोलेटेड गैशियस एटम। आइसोलेटेड गैशियस एटम मीन्स कि वो एक एटम होना चाहिए, ठीक है ना, सिंगल एटम, और वो गैशियस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास कोई एटम था, ये उसका न्यूक्लियस जो यहाँ पे मेहरून से नज़र आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को आपने निकालना है, इसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए होगी, दैट वुड बी दी आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट नंबर ए उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए बेटा रिलेटेड है आपके इस टॉपिक से। ये उसके ग्राफिकल कॉन्सेप्ट भी हो गया कि आपके पास एक एटम है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए, दैट इज़ दी आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम की, ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम हमारे पास कितनी है? 496 किलो जौल पर मोल। इट मींस कि 496 किलो जौल पर मोल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए होगी अगर आप एक सोडियम एटम से किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाह रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद बेटा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सोडियम आयन, ठीक है। यहाँ पे जो एन का साइन है, दिस इज़ बेसिकली एरो, ठीक है। यहाँ पे देखें, दिस वन ये सोडियम का एटम है, दिस वन सोडियम का एटम है बेटा ये, और इसमें से इलेक्ट्रॉन को आपने रिमूव आउट करना है, इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और इसके लिए जो येलो में नज़र आ रहा है, जो एनर्जी चाहिए होगी, दैट वुड बी दी आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा अब हमने बात की कि आइसोलेटेड गैशियस एटम से आपने उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई इन द गैशियस फॉर्म, कि वो एटम जिसमें से आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है वो गैशियस फॉर्म में क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो हम कहते हैं गैशियस फॉर्म में जो आयंस होते हैं, एटम्स होते हैं, वो सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, आइसोलेटेड होते हैं, उनके ऊपर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रही होती एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जब भी कोई आपका मैटर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड या फिर लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो उस पर आपस के मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे को फोर्स लगा रहे होते हैं, जबकि गैसेस के अंदर इस तरह का कोई केस नहीं होता, ठीक है। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है, ठीक है, आप पहले उसे एनर्जी दे रहे हो, तो अगर वो लिक्विड के फॉर्म में होगा या सॉलिड के फॉर्म में होगा, तो आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगी, ठीक है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप हमेशा गैशियस फॉर्म की ही बात करते हैं कि जिसका आपने आयन बनाना है, जिस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है, दैट शुड बी इन द गैशियस फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन दैट इज़ द शील्डिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक रेडियस, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डिटेल में। अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह से वेरी करती है, अगर हम अलोंग द पीरियड बात करते हैं, ठीक है ना, अब आपको आइडिया ना, पीरियड मींस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। यहाँ पे जो एरो दिखाया गया है, दैट इज़ द पीरियड, ओके, दिस वन, ये जो रेड सा आपको एरो नज़र आ रहा है, ये पीरियड में है, ठीक है। अब हमने कहा कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन अ पीरियड, ठीक है, कि आप किसी पीरियड के अंदर मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस वन,
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बेटा अगर आप मूव कर रहे हैं किसी पीरियड के अंदर तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज क्या होंगी, इंक्रीज होंगी. ओके अब आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज में ये इंक्रीज क्यों आएगा. ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, ज़्यादा होती जाएंगी. वैल्यूज़ के इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए. ठीक है, इन अदर वर्ड्स के इलेक्ट्रॉन का रिमूवल टफ होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा जैसे आप पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, अब इसी चीज़ की हम इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि रीज़न क्या है कि जब आप पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड के अंदर बात करते हो तो आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज़ इंक्रीज करती हैं. ठीक है, तो उसका पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि जब आप एक पीरियड में मूव करना स्टार्ट करती हो, इट मीन्स कि आप एक पहले एलिमेंट की बात करते हो किसी भी पीरियड के, तो उसके पास जस्ट वन इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है ना, इन उसके वैलेंस सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा जब आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे. लेकिन जब वो पीरियड जैसे जैसे आप मूव करते जा रहे हो वो पीरियड एंड अप होगा तो बेटा उसका वैलेंस सेल कंप्लीट हो चुका होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो उसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है. अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम का वैलेंस सेल कंप्लीट है. ठीक है, इसी तरह अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम के वैलेंस सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है. अगर आप नियॉन की बात करो तो नियॉन के वैलेंस सेल भी क्या है, कंप्लीट है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप पीरियड के अंदर मूव करते जाते हो उस पीरियड के पहले एलिमेंट के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, बट जैसे जैसे आप मूव कर रहे हो और सबसे एंड वाले एलिमेंट की बात करते हो तो उसका वैलेंस सेल कंप्लीट होता है. इस चीज़ से हमें क्या पता चला, इस चीज़ से हमें बेटा ये पता चला कि जैसे जैसे आप एक पीरियड के अंदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं. ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं तो इट मीन्स के न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा होते जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज में भी इजाफा होता जाता है. ठीक है, अब न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होगा तो देन क्या होगा, फिर वो फॉर एग्जांपल कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यानी पहले इसके ऊपर प्लस टू चार्ज था, ठीक है, और वो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है. ठीक है, जैसे जैसे आप मूव करते जा रहे हो एक पीरियड के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब उसके पास प्लस एट चार्ज हो गया है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इट मीन्स कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से कौन खींचेगा, प्लस एट वाला खींचेगा ना. इसका मतलब है कि इस न्यूक्लियस का होल्ड इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा हो गया है तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव आउट करवाना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू दिस वन स्टार्ट वन. ये पीरियड का स्टार्ट है और ये बेटा पीरियड का क्या है, एंड है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो न्यूक्लियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इजाफा होता है, पहली बात. ठीक है, दूसरी बात क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होता है. ठीक है, तीसरी बात क्या है कि जब न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होगा तो वह न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, किन इलेक्ट्रॉन को, जिनको आप बाहर निकालना चाह रहे हैं. ठीक है, तो इट मीन्स के अब न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा है उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा. तो इसलिए हम कहते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ क्या होती हैं बेटा, इनक्रीज़ करती हैं.